राम राम जी सबको। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत किसी को कंफ्यूजन रहता है कि प्री वर्कआउट में क्या लेंगे, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेंगे। प्री वर्कआउट मतलब कि वर्कआउट करने से पहले कौन सा ऐसा मील लें जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो और वर्कआउट भी अच्छे से कर सके, और पोस्ट वर्कआउट इट मीन्स कि वर्कआउट करने के बाद क्या ऐसा चीज़ लें जिससे कि रिकवरी अच्छा हो मसल्स का, जो भी हम लोग जिम में जाके तोड़ते हैं या फिर नॉर्मल अखाड़ा में जाके तोड़ते हैं, ठीक है, वर्कआउट करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, ठीक है, प्री वर्कआउट में आपको वर्कआउट करने से पहले या तो आप ओट्स ले सकते हैं, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो ओट्स में आपको फाइबर मिल जाता है, ठीक है, अच्छा खासा, जिससे कि आपका बॉडी रिकवरी बहुत बढ़िया होता है। प्रोटीन भी मिल जाता है और कुछ थोड़ा मोड़ा विटामिन्स वगैरह मिल जाते हैं। और जो आप नट्स या फिर आप चिनिया बादाम या पिस्ता बादाम ये सब आप देते हैं, इट मीन्स कि आप लोग का भाषा में पीनट्स, तो उससे आपको सैचुरेटेड फैट भी मिलता है और प्रोटीन उससे भी मिल जाता है। तो जो चीज़ में आपका फाइबर, प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट इंक्लूड हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है वर्कआउट करने में, पहला। दूसरा, बहुत किसी को वीकनेस लगता है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता है सुबह सुबह, और अगर वर्कआउट करता है तो उसमें एनर्जी नहीं मिलता है बॉडी में। दूसरा हो गया आपका आलू और कट्स, इट मीन्स कि दही, ठीक है, आलू और दही ले लीजिए, ये कंप्लीट प्रोटीन मील सोर्स है जिससे कि आपका बॉडी में पंप भी बहुत बढ़िया आएगा और आपका वर्कआउट भी बहुत ही एनर्जेटिक होगा, आपको लेजी लेजी फील नहीं होगा, वीकनेस नहीं लगेगा और वेट भी बहुत ज़्यादा मार पाइएगा। अब आप बोलिए कि इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका कट्स इट मीन्स कि आपका दही, दही में आपका प्रोटीन, थोड़ा फैट्स, विटामिन्स वगैरह सारा कुछ रहते हैं और सैचुरेटेड फैट भी रहता है। और आपका आलू में हो गया एक अच्छा सोर्स कार्ब हो गया। अब आलू कौन सा, बहुत कोई सोचेंगे कि शकरकंदी, बहुत कोई सोचेंगे कि नॉर्मल आलू, आलू जो घर में सब्जी वगैरह में बनते हैं, तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, शकरकंदी वाला भी ले सकते हैं। अगर शकरकंदी वाला लीजिएगा तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा थोड़ा सा, कार्ब और फाइबर भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें रेशा होता है शकरकंदी में, इसलिए। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों भी अफोर्डेबल है। और तीसरा, आप बनाना ले सकते हैं, बनाना और आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि बोलिएगा क्या क्या, तो ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं चिनिया बादाम, इट मीन्स की पीनट्स और मिल्क, ये सब का आप शेक भी बना के पी सकते हैं वर्कआउट से 40 मिनट्स पहले, जिससे कि आपका फुल ऑन एनर्जी रहे और वर्कआउट जाके अगर आप करें तो आपको पंप बहुत बढ़िया आए और आपको एनर्जेटिक महसूस हो। चलिए अब प्री वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट बताते हैं कि वर्कआउट करने के बाद क्या चीज़ लेना है। वर्कआउट करने के बाद आपको हाई प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो आप एक सैलेड के तौर पे ले सकते हैं, चना हो गया, मूंग और जितना भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, चिनिया बादाम, पिस्ता बादाम रॉ, ठीक है, ले लेना है आप लोगों को और खा लेना है, जिससे कि आपका एनर्जेटिक रहेगा बॉडी और आपका रिकवरी भी बहुत बढ़िया होगा। और उसके साथ अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो मिल्क को इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि आपका मसल्स रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि मिल्क में आपका कैल्शियम रहता है, विटामिन्स वगैरह रहता है और प्रोटीन रहता है, ठीक है। पहला हो गया प्री वर्कआउट। अब दूसरा कि भैया एनर्जी भी नहीं रहता और अगर बल्क कर रहा हूँ, तो अगर आप बल्क कर रहे हैं तो आप गेनर भी ले सकते हैं, कोई भी गेनर या फिर घर में भी बना सकते हैं, सत्तू वगैरह लेके। सत्तू आप लोगों को पता है कि सत्तू कार्ब सोर्स बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं, कार्ब और प्रोटीन दोनों का सोर्स बढ़िया है। और फिर आगे चलते हैं चौथा, चौथे में आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क में शेक बना के पी लीजिए वर्कआउट करने के बाद, यहाँ से जाइए शेक बना के, मिल्क, बनाना और जितना ड्राई फ्रूट्स होता है काजू और जो भी है आपका, और उसमें थोड़ा सा आप शुगर ऐड अगर कर दीजिएगा तो कर दीजिए, या तो नहीं कर सकते हैं तो आप चीनी या गुड़ ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपका बहुत ही बढ़िया पोस्ट मील हो गया। और
जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगे वो लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राम राम जी सबको, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भाई को सपोर्ट कीजिए जितना से जितना हो सके। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब